नमस्कार, चटपटी खबरों के न्यूज प्लेटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अमित राजपूत। फ्रांस के इंजीनियरों की टीम ने एक ऐसा आर्टिफिशियल पेड़ बनाया है जो हवा की मदद से बिजली पैदा करेगा। पेरिस के उद्यमी इंजीनियर जेरोम मिशॉर्ड ने यह पेड़ बनाया है। इसे उन्होंने विंड ट्री का नाम दिया है। ये ट्री बनाने का आइडिया उन्हें उस वक्त आया जब उन्होंने हवा के वेग के बिना पेड़ के पत्तों को हिलते हुए देखा। जेरोम को उम्मीद है कि अगले साल तक उनका बनाया हुआ विंड ट्री बाजार में बिकने लगेगा। जेरोम मिशॉर्ड के मुताबिक वायु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस पेड़ की पत्तियों में खास ब्लेड लगे हैं जो हवा के जरिए बिजली बनाने में मदद करते हैं। जेरोम के मुताबिक विंड ट्री का इस्तेमाल कई सार्वजनिक स्थलों के अलावा निजी उपयोग के लिए भी किया जा सकेगा। इस मशीन की खासियत यह भी है कि आवाज नहीं करती। इस पेड़ की कीमत करीब $23,500 बताई जा रही है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इस मशीन से सामान्य टरबाइन की अपेक्षा ज्यादा बिजली पैदा की जा सकेगी। ऐसे कारनामे न केवल यूरोप में हो रहे हैं बल्कि भारत भी ऐसा ही कुछ करने का ज्यादा मादा रखता है। हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बीटेक मैकेनिकल के अंतिम वर्ष के 4 विद्यार्थियों ने जूते से बना एक मोबाइल चार्जर का मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल पर सिर्फ 100 से 150 रुपए का ही खर्च आया है। ये मॉडल ऊर्जा के उस सिद्धांत पर काम करता है जिसमें बताया गया है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती बल्कि अपना रूप बदलती रहती है। ये मॉडल सामान्य समय में ही मोबाइल को चार्ज कर देता है। जिन क्षेत्रों में बिजली की समस्या रहती है या फिर मोबाइल की बैटरी कम समय निकालती है उनके लिए ये वरदान साबित हो सकता है। इसके साथ ही इससे बिजली की बचत भी होगी और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभप्रद साबित होगा। विद्यार्थियों ने बताया कि जूते के नीचे एक स्प्रिंग लगाया गया है। इसके अलावा जूते के पीछे के हिस्से में छोटा सा अल्टरनेटर, कैपेसिटर, डायोड, गियर सेट और मोबाइल की चार्जर केबल लगाई गई है। जब कोई भी आदमी जूता पहनकर चलेगा तो दबाव पड़ने से स्प्रिंग नीचे दबेगा और इसमें लगा गियर अपना काम शुरू कर देगा। गियर से अल्टरनेटर घूमने से ये ऐसा करंट बनाएगा जो करीब 12 वोल्ट होगा। इसके बाद इसमें लगा कैपेसिटर और डायोड एसी करंट को डीसी में बदल देगा और ये करीब 6.8 वोल्ट पैदा करेगा। इस वोल्ट से मोबाइल को चार्ज किया जा सकता है। जाहिर है ऐसी सुविधा हो तो फिर क्या कहने। सुविधा के लिहाज से ही ब्रिटेन के हरफोर्ड शायर के ब्रिकेट वुड में एक इलाका ऐसा है जहां लोग निर्वस्त रहना पसंद करते हैं। स्प्ली प्लाट्स नाम के इस गांव की स्थापना 1919 में हुई थी। देखने में ये गांव सामान्य नजर आता है लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो है यहाँ के लोगों की जीवन शैली। इंग्लैंड के उस कुछ एक गांवों में से है जहाँ 85 सालों से लोग नग्न अवस्था में रह रहे हैं। इस गांव में रहने वाले लोगों में 82 वर्षीय स्यूल्ट रिचर्डसन भी हैं, जिनके पिता ने इस गांव की स्थापना की थी। उनका कहना है कि हम सभी सामान्य जीवन जीते हैं, नग्न रहने में हमें सुविधा होती है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ रह रहे हैं। इस गांव में 2 बेडरूम वाले घर की कीमत £85,000 है। यहाँ रोजमर्रा का खाना पीना और स्विमिंग सेशन जैसे काम लोग नग्न अवस्था में ही करते हैं लेकिन बागवानी जैसे काम करते हुए ये एक प्रकार के बूट्स पहन लेते हैं। एक नई डॉक्यूमेंट्री में इन लोगों के जीवन यापन के बारे में बताया गया है। इंग्लैंड के टीवी चैनल More 4 पर इस गांव की डॉक्यूमेंट्री द न्यूडिस्ट नेक्स्ट डोर 11 दिसंबर को दिखाई जाएगी। इससे गांव वालों में खुशी है। खुश तो गुजरात की वो महिलाएं और लड़कियां भी हैं जिन्होंने पिछले दिनों सूरत शहर में एक साथ 521 लोगों ने मेहंदी लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। सूरत में बीते दिनों सामूहिक विवाह समारोह में 111 लड़कियों की शादी हुई जिसमें कई धर्मों की लड़कियां शामिल थीं। इस क्रम में लागड़ी न वावतार नाम से लड़कियों की मेहंदी रस्म का आयोजन किया गया। इस मौके पर आई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रतिनिधि अन्ना ओर फोर्ड ने भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई। ओर फोर्ड ने कहा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब तक एक साथ 250 महिलाओं लड़कियों के मेहंदी लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। ये एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में संगीत का भी आयोजन किया गया। कहते हैं जीव और संगीत की रचना एक साथ हुई होगी। संगीत हमारे दिल और दिमाग से इस कदर जुड़ गया है जैसे शरीर में एक अंतराल के बाद होने वाली कोई प्रक्रिया। कुछ लोगों में तो संगीत और गाने बजाने का फितूर ही अलग होता है। पश्चिमी राजस्थान के नागौर से लगे कई जिलों में अब मजदूर फसल काटने के लिए तभी तैयार होते हैं जब उनके लिए खेतों में डीजे की व्यवस्था हो। ये डीजे पर लोक देवता वीर तेजा जी और बाबा रामदेव के भजन सुने बिना काम नहीं करते। इसके पीछे इन मजदूरों का तर्क है कि जब तक तेज गाने कानों में नहीं जाते हमारे हाथ ही नहीं चलते। इनके लिए पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है तेज संगीत। रायधुन क्षेत्र के काश्तकार जयपाल बसवाना बताते हैं, श्रमिक बिना डीजे फसल काटने को तैयार नहीं थे।
वे रुपए में समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीजे के लिए नहीं। नागौर जिले में डीजे की 150 से ज्यादा पार्टियां हैं, ये ज्यादातर खेतों में ही व्यस्त रहते हैं। न्यूज चैट में आज सिर्फ इतना ही। नमस्कार।